मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज प्रदेश के वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कार्ड जारी करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश अब यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला और यूनिफाइड लाइसेंस जारी करने वाला उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा। यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में एक रंग एवं समान पैटर्न के होंगे और नए कार्ड में वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित पहाड़ी वैधता, इमरजेंसी नंबर, ऑर्गन डोनर, QR कोड, विशिष्ट सीरियल नंबर, खतरनाक वैधता, अमान्य वैध सहित नए कार्डों में पूरी जानकारी होगी। खास बात यह है कि कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से इसे एक्सेस किया जा सकेगा। दुर्घटना होने पर घायल वाहन चालक के परिवार के बारे में तुरंत जानकारी मिल सकेगी और जिसके बाद परिजनों को सूचित किया जा सकेगा। और इसी खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ आज प्रदेश के वाहनों के लिए जिस तरह से यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कार्ड जारी करने जा रहे हैं, सर इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी ये लागू हो चुका है और अब मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास बातें हैं इसमें। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज प्रदेश के वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कार्ड जारी करेंगे। हेलो, हो गया, सवाल करवा दो। और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी यहां पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मध्य प्रदेश में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस कार्ड जारी होने जा रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि इसके अंदर क्या कुछ खास बातें रहने वाली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्रालय में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन और यूनिफाइड कार्ड जारी करने वाले हैं। अगर हम यूनिफाइड कार्ड की बात करें राजेश, तो ये देश का पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश जो यूनिफाइड कार्ड जारी करने जा रहा है। दूसरी तरफ यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा जो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन जारी करेगा। इसमें कुल मिलाकर यही है कि पूरे देश में एक समान जो कार्ड का जो रंग है, जो कलर है, जो व्यवहार है, वो एक सा रहेगा। सबसे बड़ी खूबी इसमें यही है राजेश, कि एक ही कार्ड में वो तमाम सारी जानकारी, एक ही रजिस्टर में वो तमाम सारी जानकारी जो एक जो परिवहन करता है जिसका रजिस्ट्रेशन उससे संबंधित इसमें होगी, उसमें सारा कुछ उसका होगा। चाहे डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें, चाहे हम एड्रेस की हम बात करें, ब्लड ग्रुप की हम बात करें, परिवार के सदस्यों की हम उसमें बात करें, तो ये उपयोगी, बहुउपयोगी इस कार्ड को बनाया गया है। किसी का अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरी जानकारी उसी कार्ड में उसको उसके जरिए उसके परिवार तक पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ पूरे देश में जो एक गाइडलाइन है इन यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन की या यूनिफाइड कार्ड की, उसी के अनुसार ये पहल प्रदेश सरकार की तरफ से, कमलनाथ सरकार की तरफ से है। यानी कि इस कार्ड के जरिए सारा कुछ एक ही कार्ड में आपकी जानकारी मिलेगी, जिससे कि किसी भी तरह की, चाहे वाहन चोरी का मामला हो या एक्सीडेंटल की बात हो या फिर अन्य तरह की जो परिवहन से जुड़ी चीजें हैं उनकी बात हो, उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा। और यही कारण है कि प्रदेश सरकार इसको आज जारी करने जा रही है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड को और यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन को, और मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्रालय में से जारी करेंगे। जी निश्चित तौर पर राजेश जी, सारी जानकारियां इसमें होगी। तो क्या इस कार्ड को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है जिससे सारी जानकारियां एक साथ देखी जा सके? देखिए, जाहिर है जिस तरह से परिवहन विभाग द्वारा ये बताया गया है, जो मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने जिस तरह से बनाया है कि पूरी तरीके से इसको सर्वर पर अपलोड ये रहेगा
और इसके लिए पूरा डाटा बेस ये पूरा कलेक्शन रहेगा और इसके लिए परिवहन विभाग को भी पूरी तरीके से तैयार किया गया है कि जिससे कि सारी जानकारी ऑनलाइन रहे, सर्वर पर रहे और एक साथ उसकी जानकारी हर जगह पर मुहैया कराई जाए। और यही कारण है कि नया सिस्टम इसके लिए पूरा डेवलप किया गया है परिवहन विभाग द्वारा और एक बड़ी पहल कहेंगे क्योंकि देश का दूसरा राज्य होने जा रहा है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन के मामले में और कार्ड के मामले में देश का पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश, तो कह सकते हैं परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार का। निश्चित तौर पर राजेश जी, यूनिफाइड कोड जो कार्ड जारी किया जा रहा है, पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा, एक ही कार्ड में सारी जानकारियां यहां पर होंगी। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में अब एक रंग और एक समान पैटर्न के होंगे और प्रदेश में ये कार्ड जारी किए जा रहे हैं। और इनकी जो ख़ास बात है वो हम आपको बता देते हैं कि इस कार्ड में कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से इसे एक्सेस किया जा सकता है। QR कोड इसमें होगा, एक ही रंग के ये कार्ड होंगे और सभी तरह की जानकारियां इस कार्ड के अंदर होंगी।